Hello friends. So in today's lecture, I will teach dentogenic concept or SPA factor. Okay, or SPA concept. ये जो dentogenic concept है, ये mainly use होता है for anterior teeth selection. जब अपन CD बनाते हैं, तो CD बनाने में जो tooth selection, teeth selection जो होता है, so anterior teeth selection is very important because जो anterior teeth होते हैं, they are mainly for your aesthetic purpose. और जो आपके posterior teeth होते हैं, they are mainly for your masticatory purpose. Okay? Load bearing. तो जो anterior teeth हैं, they are mainly for aesthetic purpose. So from aesthetic concern, anterior teeth selection is very important. उसकी means anterior teeth selection कई सारे factors पे depend करता है. Anterior teeth का size कैसा होना चाहिए, shape कैसा होना चाहिए, form कैसा होना चाहिए. तो anterior teeth का form कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक concept दिया गया. That concept is called as your dentogenic concept or SPA factor. SPA का full form है sex, personality and A for age. मतलब patient का जो anterior teeth का जो form है, वो किस पे depend करता है? These three factors, sex, personality and age of patient. इस factor को, इस concept को सबसे पहले जिस scientist ने किया था, that is Frisch and Fischer. इन्होंने डिस्कवर किया था डेंटोजेनिक कॉन्सेप्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अब मेनली सबसे पहला फैक्टर इन्होंने क्या बोला, सेक्स. सेक्स मीन्स मेल्स के टीथ कैसे होते हैं, कैसा फॉर्म होता है मेल्स के टीथ का, एंटीरियर टीथ का, और फीमेल्स का कैसा होता है, कुछ डिफरेंस है, और उसी अकॉर्डिंग उस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए वी शुड परफॉर्म टीथ सेलेक्शन, वो टीथ अरेंजमेंट. ओके, एंड टीथ सेलेक्शन, एंटीरियर टीथ सेलेक्शन. तो सबसे पहले सेक्स की बात करते हैं, तो मेल्स और फीमेल्स. अब बात करते हैं जो मेल्स के जो एंटीरियर टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस राउंडेड और मोर एंगुलेटेड, जबकि फीमेल्स के क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट, मोर राउंडेड, राउंडेड टीथ होते हैं एंड एंगुलेशन इज लेस. तो मेल्स में कैसे टीथ होते हैं, लेस राउंडेड एंड मोर एंगुलेटेड एंटीरियर टीथ, जबकि फीमेल्स में जस्ट अपोजिट, मोर राउंडेड एंड लेस एंगुलेटेड. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट फैक्टर वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग एंटीरियर टीथ. नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सेकेंड फैक्टर ये है सेक्स के लिए कि जो फीमेल्स के जो एंटीरियर टीथ होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं, इनकी जो इंसाइजल एज होती है, इट इज अकॉर्डिंग टू योर कर्व ऑफ लोअर लिप. लोअर लिप का जैसा कर्व है, वैसे ही एंटीरियर टीथ की इंसाइजल एज का क्या होता है, कर्व होता है. लेकिन जो मेल्स की जो इंसाइजल एज होती है एंटीरियर टीथ की, इट इज पैरेलल टू लिप्स, वो लिप्स की क्या होती है, पैरेलल होती है, जबकि फीमेल्स की क्या करती है, लोअर लिप के कर्व को फॉलो करती है. तो मेल्स में क्या है, इंसाइजल एज इज पैरेलल टू लिप्स, जबकि इसमें क्या कर रही है, फॉलो कर्वेचर ऑफ लोअर लिप, लोअर लिप के कर्वेचर को फॉलो करती है. ओके, नेक्स्ट ये है कि जो फीमेल्स के जो सीआई होते हैं, सीआई की जो डिस्टल सरफेस होती है, सपोज दिस इज सीआई, सीआई की जो डिस्टल सरफेस होती है वो तो इसी कैसे शिफ्ट होती है, पोस्टीरियरली. और जब सीआई की डिस्टल सरफेस ऐसे पोस्टीरियरली होगी तो लेटरल, लेटरल इंसाइजर की मीजियल सरफेस कैसी होती है, मीजल एंड एंटीरियरली, इस तरह से. जबकि फीमेल मेल्स में जस्ट अपोजिट होता है, मेल्स में कैसा होता है, लाइक दिस, सेंट्रल्स की ऐसे, एल आई की ऐसे. मीन्स मेल्स में जो कैनाइन होते हैं दे आर मोर प्रोमिनेंट एज कंपेयर टू योर फीमेल्स. ओके, तो फीमेल्स में, मेल्स में क्या होते हैं, कैनाइन मोर प्रोमिनेंट, जबकि इसमें क्या है, लेस प्रोमिनेंट.
ओके. नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है कि जो अब वाइल स्माइलिंग ड्यूरिंग स्माइलिंग फीमेल्स की जो होती है तो ये ब्रॉडर स्माइल होती है अप टू प्रीमोलास. तो जो एंटीरियर टीथ जो अरेंजमेंट होता है जो एस्थेटिक अरेंजमेंट है वी शुड कीप इन माइंड प्रीमोलास ऑल्सो क्योंकि उनकी स्माइलिंग के टाइम पे प्रीमोलास भी दिखते हैं. जबकि मेल्स की जो स्माइल है वो कहाँ तक दिखाई देती है कैनाइन तक. तो फीमेल मेल्स में स्माइल की बात करें तो कितने टीथ दिख रहे हैं अप टू कैनाइन. जबकि फीमेल्स की बात करें देन अप टू प्रीमोलास. तो जो प्रीमोलास का भी अरेंजमेंट है उसे भी एस्थेटिक कंसर्न के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना है. ओके. सो दीज आर योर डिफरेंसेस इन सेक्स कि मेल्स में कैसा फॉर्म होता है टीथ का और फीमेल्स में कैसा फॉर्म होता है एंटीरियर टीथ का. एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन अरेंज एंड सेलेक्ट एंटीरियर टीथ. सेकेंड फैक्टर इज योर पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी में क्या होता है जैसे दो तरह के पीपल होते हैं वन हु आर विग्रस एंड अदर वन हु आर डेलिकेट. ओके. एग्जीक्यूटिव लाइक तो जो विग्रस पीपल होते हैं उनके जो टीथ होने चाहिए वो किस तरह के होने चाहिए मोर स्क्वायरिश और लार्ज होने चाहिए. जबकि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं डेलिकेट पर्सन्स होते हैं उनके टीथ कैसे होने चाहिए स्मॉल होने चाहिए स्मॉल एंड फ्लैट होने चाहिए. तो विग्रस पर्सन में कैसे टीथ होने चाहिए लार्ज एंड स्क्वायरिश. जबकि सॉरी डेलिकेट्स या एग्जीक्यूटिव्स में कैसे होने चाहिए फ्लैट एंड स्मॉल. ओके. नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज योर एज. एज के अकॉर्डिंग कैसा फॉर्म होना चाहिए टूथ का. एज के अकॉर्डिंग पेशेंट के टूथ में काफ़ी चेंजेस होते हैं. लाइक ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होते हैं उनके टीथ कैसे होते हैं एब्रेडेड होते हैं. तो आपके एंटीरियर टीथ भी कैसे होने चाहिए अपने एब्रेडेड होने चाहिए. एज अकॉर्डिंग टू एज देयर इज जिंजाइवल रिसेशन सो दैट शुड बी विजिबल इन योर डेंचर ऑल्सो. डेंचर में भी वो जिंजाइवल रिसेशन दिखाई दे जिंजाइवल रिसेशन एब्रेशन. एब्रेशन के कारण क्या होता है ड्यू टू एब्रेशन टूथ जो है इनेमल लॉस हो जाता है डेंटिन विजिबल होता है उसके कारण एक येलोइश टिंट रहता है टूथ में ड्यू टू स्टेनिंग ऑल्सो. सो दैट वी शुड डिस्कवर इन योर सीडी ऑल्सो. ओके. तो दैट इज योर कलर फैक्टर कि एज के अकॉर्डिंग टूथ का कलर चेंज होता है एब्रेशन होता है और इसके साथ और क्या होता है एब्रेड हो जाते हैं कलर चेंज हो रहा है जिंजाइवल रिसेशन हो रहा है. साथ ही साथ क्या होता है इंटर ऑक्लूजल डिस्टेंस कम हो जाता है ड्यू टू एब्रेजन. और इंटर ऑक्लूजल डिस्टेंस कम होने के कारण मैंडिबुलर टीथ आर मोर विजिबल एज कम्पेयर टू योर यंग पेशेंट. तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. तो क्या क्या होता है एज के अकॉर्डिंग जिंजाइवल रिसेशन. ओके. नेक्स्ट इज योर एब्रेजन. नाउ नेक्स्ट कलर चेंज लाइक येलोइश टिंट. ओके. एंड लास्ट इज योर डिक्रीज्ड इंटर ऑक्लूजल डिस्टेंस. और ड्यू टू डिक्रीज इंटर ऑक्लूजल डिस्टेंस मोर विजिबिलिटी ऑफ मैंडिबुलर टीथ. मैंडिबुलर टीथ ज़्यादा दिखाई देते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं एंड अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स वी शुड सेलेक्ट एंड अरेंज आवर एंटीरियर टीथ इन अ सीडी पेशेंट. सो this fact this concept that is dentogenic concept it is mainly based on sex personality and age of the patient and it is very important concept we should follow for selection of anterior teeth. Okay. For mainly form of anterior teeth. So that's all from my side. Okay. And if you have any doubts or any queries you can ask in comment box below and please like and subscribe our channel. Thank you.